देशभर में कांग्रेस की करारी हार के बाद लगातार मीडिया में छप रही या दिखाई जा रही खबरों के बीच कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान जारी किया है। बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। CWC ने राहुल गांधी को इस बात के लिए अधिकृत किया है कि वे पार्टी में संगठनात्मक परिवर्तन या फिर परिवर्तन करने के लिए अधिकृत हैं। वे पार्टी हित में किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं। CWC ने लोकसभा चुनाव में उलटफेर को कट्टरपंथी के लिए एक अवसर के रूप में देखा है। सुरजेवाला ने मीडिया के लोगों से बैठक में हुई या नहीं हुई चर्चाओं को तोड़ मरोड़कर किसी भी तरह का माहौल नहीं बनाने की अपील की है। उन्होंने साफ लिखा है कि मीडिया में कंस्ट्रक्शन अटकलें, इंसुलेशन धारणा, गपशप और अफवाह को कोई स्थान नहीं है। इन्हें अनुचित भी कहा जाता है, लेकिन कुछ मीडिया संस्थान लगातार इस तरह की कपोल कल्पित बातें कर माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस हार को चुनौती के तौर पर लिया है। उन्होंने मीडिया संस्थानों से भी अनुरोध किया है कि वे भविष्यवाणियों या अटकलों की यात्रा में न पड़ें और भविष्य की कार्रवाई के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए आशंकित प्रयासों का इंतजार करें। कांग्रेस के प्रेस नोट से साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी में फिलहाल किसी तरह के परिवर्तन को लेकर कोई चर्चा नहीं चल रही है। हाँ, कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से माहौल गर्म करने का जरूर प्रयास कर रहे हैं, जिसे कांग्रेस पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया है।